ये क्या 5 करोड़ रुपए अकेले या असिस्टेंट डायरेक्टर खा रहा था? ये पैसा किसको किसको गया? ईडी के किन किन अधिकारियों का इसमें हिस्सा है? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और वो सारे के सारे अधिकारी जेल के अंदर होने चाहिए। मैं तो कह रहा हूं ईडी डिपार्टमेंट जो एक गुंडागर्दी का विंग बनाया है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने, इस पर तुरंत और तत्काल रोक लगनी चाहिए। ये डिपार्टमेंट बंद होना चाहिए। ये खतरनाक डिपार्टमेंट देश के अंदर पैदा हो गया है, जिनको सरकारी लाइसेंस है गुंडागर्दी करने का, जिनको सरकारी लाइसेंस है एक्सटॉर्शन करने का। ये तो एक मामला खुला, इनका काम करने का तरीका क्या है? आपको पकड़ेंगे, आपको जेल में डालेंगे, आपको ईडी के हवालात में रखेंगे, वहां आपको मारेंगे, पीटेंगे, कान का पर्दा फाड़ेंगे, आपसे किसी भी नेता के खिलाफ फर्जी बयान लेंगे, फिर उसको मीडिया में लीक करेंगे, फिर उसको पकड़ के जेल में डालेंगे। लगातार यही एक साल से चल रहा है, एक साल से यही सिलसिला। कभी कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला, अब कह रहे हैं 44 करोड़ का घोटाला। हर जगह पूछा जा रहा है, भाई मनी ट्रेल बताओ कि किस तरीके से झूठा बेबुनियाद आरोप लगा के मेरा नाम चार्जशीट में शामिल करने का काम ईडी ने किया। और जब मैंने ईडी को नोटिस दिया तो बोले साहब गलती हो गई, लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। इसका मतलब वो तमाम घटनाएं जो थी वो पूरी तरीके से सच थी, ये बात साबित होती है कल की घटना से। कल जो कुछ हुआ उसने पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देश के लोगों को हैरान करके रख दिया। नरेंद्र मोदी जी की सबसे प्रिय संस्था ईडी, जिसको अपने साथ लेके हाथ में हाथ मिला के मोदी जी कहते हैं यह ईडी है इसके जरिए हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, यह ईडी है इसके जरिए भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, वो ईडी एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन गई है। एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट, ईडी ईडी नहीं है, ईडी एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है, ईडी धन उगाही का डिपार्टमेंट है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात सीबीआई कह रही है। ईडी का असिस्टेंट डायरेक्टर 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, 7 लोगों के साथ 5 करोड़ की रिश्वत। किस मामले में? दिल्ली शराब के तथाकथित घोटाले के मामले में एक आरोपी को बचाने के नाम पे 5 करोड़ रुपए की रिश्वत एक आरोपी के बाप से ली गई, अमनदीप ढल के बाप से ली गई। यह एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट की हकीकत है, यही कर रहा है ईडी पिछले एक साल से। इस घोटाले की जांच के नाम पर, इस तथाकथित घोटाले की जांच के नाम पे कभी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाता है, कभी किसी को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता है, और हर दिन झूठी खबरें। कभी का फोन तोड़ दिया, कभी का 54 करोड़ की संपत्ति बरामद हुई, कभी यह स्टोरी, कभी वो स्टोरी, और पूरे देश में यह सिलसिला मोदी जी के आने के बाद चला रखा ईडी ने। पिछले 9 वर्षों में 3000 केसेस ईडी ने, 3000 छापेमारी ईडी ने की, और मात्र 23 लोगों पर आरोप सिद्ध कर पाए। 0.5% ईडी का कन्विक्शन रेट है। ये ईडी किस लिए बना है भाई? नरेंद्र मोदी जी, आपने एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट किस लिए बना रखा है? महाराष्ट्र में विधायक तोड़ने के लिए, कर्नाटक में विधायक तोड़ने के लिए, मध्य प्रदेश में विधायक तोड़ने के लिए, गोवा में विधायक तोड़ने के लिए, उत्तराखंड में विधायक तोड़ने के लिए, अरुणाचल में विधायक तोड़ने के लिए, दिल्ली में विधायक तोड़ने के लिए, पंजाब में विधायक तोड़ने के लिए, पूरे देश में विधायकों को तोड़ने के लिए एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट ने बना रखा है। इनको गुंडागर्दी का लाइसेंस दे रखा है आपने। जाओ झारखंड में गुंडागर्दी करो, जाओ बिहार में गुंडागर्दी करो, जाओ बंगाल में गुंडागर्दी करो, जाओ पंजाब में गुंडागर्दी करो, महाराष्ट्र में गुंडागर्दी करो, कर्नाटक में गुंडागर्दी करो, दिल्ली के अंदर जा जाकर रोज गुंडागर्दी करो। ये गुंडागर्दी का डिपार्टमेंट बना रखा है आपने। मैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस ईडी डिपार्टमेंट को बंद किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के गुंडागर्दी का फ्रंटल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। गुंडागर्दी का विंग है, यह एक्सटॉर्शन विंग है भारतीय जनता पार्टी का, यह एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है ईडी। पैसे वसूल रहे हो, घोटाले की जांच में घोटाला, घोटाले की जांच में घोटाला। कह रहे साहब हम घोटाले की जांच कर रहे हैं, उसके नाम पे रिश्वत खा रहे हैं। अच्छा ये ईडी के अधिकारी करें क्या? वो देख रहे हैं मोदी जी हमसे विधायक पकड़वाते हैं महाराष्ट्र में, उनको धमकवाते हैं, उनके ऊपर केस करवाते हैं, फिर उनको दे देते हैं 50 खोका। विधायकों को तो मिलता है 50 खोका,
वो चले जाते हैं सरकार के साथ शामिल हो जाते हैं, ईडी के अधिकारी बेचारे एक भी खोखा नहीं पाते। तो भारतीय खोखा पार्टी ने खोखा अधिकारी तैयार किया, बोले खोखा खोखा तुम भी करो, जैसे वहां पे खोखा हम कर रहे हैं यहां पे खोखा तुम करो। तो पांच खोखा का मामला है ये, पांच खोखा किसने लिया है? ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर ने दिल्ली के तथा कथित शराब घोटाले के मामले में, जो एक काल्पनिक मनगढ़ंत घोटाला है, उसमें एक आरोपी को बचाने के नाम पर 5 करोड़ रुपए की पांच खोखा की रिश्वत ली। और मेरा सीधा आरोप है कि ये एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट जो पैसे की वसूली करता है, इसका हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी पहुंचता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और ये क्या 5 करोड़ रुपए अकेले या असिस्टेंट डायरेक्टर खा रहा था? ये पैसा किसको किसको गया? ईडी के किन किन अधिकारियों का इसमें हिस्सा है? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और वो सारे के सारे अधिकारी जेल के अंदर होने चाहिए। मैं तो कह रहा हूं ईडी डिपार्टमेंट जो एक गुंडागर्दी का विंग बनाया है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने, इस पर तुरंत और तत्काल रोक लगनी चाहिए। ये डिपार्टमेंट बंद होना चाहिए। ये खतरनाक डिपार्टमेंट देश के अंदर पैदा हो गया है, जिनको सरकारी लाइसेंस है गुंडागर्दी करने का, जिनको सरकारी लाइसेंस है एक्सटॉर्शन करने का। ये तो एक मामला खुला, इनका काम करने का तरीका क्या है? आपको पकड़ेंगे, आपको जेल में डालेंगे, आपको ईडी के हवालात में रखेंगे, वहां आपको मारेंगे, पीटेंगे, कान का पर्दा फाड़ेंगे, आपसे किसी भी नेता के खिलाफ फर्जी बयान लेंगे, फिर उसको मीडिया में लीक करेंगे, फिर उसको पकड़ के जेल में डालेंगे। लगातार यही एक साल से चल रहा है, एक साल से यही सिलसिला। कभी कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला, अब कह रहे हैं 44 करोड़ का घोटाला। हर जगह पूछा जा रहा है, भाई मनी ट्रेल बताओ, कहां कहां पैसा पकड़ा गया, क्या पकड़ा गया, कुछ तो बताओ। मनीष सिसोदिया के गांव पे छापेमारी, दफ्तर पे छापेमारी, बैंक का लॉकर चेक किया, सरकारी घर चेक किया, कहीं कुछ नहीं निकला, लेकिन बस बोले जा रहे हैं। तो पकड़ते हैं, जेल में डालते हैं, फिर उनको कहते हैं देख इसके खिलाफ तुझे बयान देना, तेरी जमानत करा देंगे, इतना पैसा लगेगा। उससे पैसा लेते हैं, उसकी जमानत कराते हैं, बाहर लाते हैं, फिर उससे जो मनचाहा होता है स्टेटमेंट लिखवाते हैं। ये पूरी की पूरी तथाकथित शराब घोटाले की जांच को कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। और जितने भी ईडी के अधिकारी हैं, ये एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट के जितने अधिकारी हैं जो धन उगाही का काम कर रहे हैं, इनको सबको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। ये बहुत ही शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी संस्था इस देश के अंदर बना दी जो पूरे देश में विधायकों को तोड़ने का, खरीदने का, एक्सटॉर्शन करने का, रिश्वतखोरी करने का, भ्रष्टाचार करने का काम कर रही है। और मैं फिर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यह अपील करूंगा कि इस पूरी घटना का संज्ञान लें और यह विभाग, जो पूरे देश में अकेले दिल्ली का मामला नहीं, मैंने आपको बताया झारखंड हो, बंगाल हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, पूरे देश में, हां बस एक ही चीज है, जो भ्रष्टाचारी मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल गया उस पर कार्रवाई नहीं होगी, हेमंत विश्व शर्मा पे कार्रवाई नहीं होगी, शुभेंदु अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होगी, मुकुल राय पे कार्रवाई नहीं होगी, अजीत पवार पे कार्रवाई नहीं होगी, छगन भुजबल पे कार्रवाई नहीं होगी, हसन मुश्रिफ पे कार्रवाई नहीं होगी, जो मोदी वॉशिंग पाउडर से नहा लेगा, चाहे वो येदुरप्पा हो या रेड्डी ब्रदर्स, उस पर कार्रवाई नहीं होगी, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। तो ऐसा डिपार्टमेंट जो बना ही सिर्फ खुले तौर पर, खुली आंखों से पूरे देश को दिख रहा है कि बना ही सिर्फ एक्सटॉर्शन के लिए है, बना है सिर्फ धमकी देने के लिए, बनाए सिर्फ खोखा खोखा करने के लिए, बनाए सिर्फ गुंडागर्दी करने के लिए, तो इस डिपार्टमेंट को बंद कर देना चाहिए। टैक्स पेयर के पैसे से इनको तनख्वाह दी जाती है यही करने के लिए। तो मुझे इतनी बात कहनी थी, आपका कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। अगली सुनवाई होनी है मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या या तो आप अपील कर रहे हैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट के अलावा, क्या वहां जाकर के भी इसका रिफर होगा? इस तरह की चीज देखिए, ये कोई छोटी चीज तो है नहीं, ना ये छुपी है, सारे मीडिया में चल रहा है। असिस्टेंट डायरेक्टर ईडी का कोई छोटा अधिकारी नहीं होता, वो गिरफ्तार हुआ है, उसके साथ एक यूडीसी गिरफ्तार हुआ है, उसके साथ 5 लोग और गिरफ्तार, 2,14,00,000 रुपए कैश और 1,90,00,000 रुपए की ज्वेलरी पकड़ी है, 2,14,00,000 रुपए कैश और 1,90,00,000 रुपए की ज्वेलरी पकड़ी है एक चार्टेड अकाउंटेंट के यहां से, जो इस पूरे मामले में शामिल था। आप बताइए कहीं आप लोगों को खबर पता चली, किसी को कानो कान पता चला? 14 रुपए जिस मनीष सिसोदिया के घर से बरामद नहीं हुआ उसको बदनाम करते हैं, और इनका खुद का अधिकारी
जिस रिश्वतखोरी के कांड में शामिल है उसके यहां से उसके उससे जुड़े हुए लोगों से 2,14,00,000 रुपए का कैश और 1,90,00,000 की ज्वेलरी बरामद होती है। कहीं वो कहीं गड्डी बना के दिखाया नोटों का, ईडी जैसे लिखते हैं। तो निश्चित रूप से मीडिया में भी खबरें चल रही हैं, अखबारों में भी खबरें आई हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इस घटना का संज्ञान जरूर लेगा। जब ईडी एक एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट के रूप में तब्दील हो चुका है तो इसका संज्ञान तो निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी लेना चाहिए। मैं ऐसी अपील करता हूं। एक साल से यह जांच चल रही है, आपने कभी नहीं सुना होगा, एक साल से जांच चल रही है और एक जीरो भी मतलब कहीं भी कोई तथ्य आज तक कोई प्रमाण नहीं दे पाए इस पूरे मामले। क्या कर रहे हैं, मैंने जैसा आपको बताया, कोई व्यापारी है उसको उठा लिया, मारा पीटा, जो मनचाहा बयान लिखाया और उससे पैसे लेके उसकी जमानत करा दी, जा बेटा बाहर, यही कर रहे हैं। तो इसलिए पहले दिन से हम लोग बताए, बहुत सारी चीजें मैंने ईडी के बारे में अलग अलग समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये ब्लैकमेलिंग का डिपार्टमेंट है भाई, ब्लैकमेलिंग करते हैं। आप देखिए मेरा नाम चार्जशीट में इन्होंने बेबुनियाद तरीके से डाला, अगर मेरी जगह कोई और व्यापारी होता, कोई होता, उसको पकड़ के ले जाके मारते पीटते वसूली करते। मैंने खुद इनको नोटिस भेजा तो कह लगे नहीं साहब गलती हो गई, लिखना था राहुल सिंह लिया संजय सिंह, मैंने कहा नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दोगे तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, पता चला मोदी जी को गिरफ्तार करने पहुंच जाओगे तुम लोग, सेवन आर सी आर, अब तो लोक कल्याण भवन मार्ग क्या हो गया। जी कुछ पूछ रहे थे आप, देखिए बहुत सारे विषयों पे चर्चा हो गई, मणिपुर का मामला है, मेवात का मामला है और जिस तरीके से पार्लियामेंट को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है वो मामला है और ईडी के दुरुपयोग का तो एक नहीं अनेक मामला सामने आया है सबके खिलाफ। और मैं तो कह रहा हूँ कि भाई ये कौन सी ईडी है जिसका नजरिया अजीत पवार के बारे में उस दिन तत्काल बदल जाता है जिस दिन वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। ये कौन सी ईडी है कि जो भी मोदी वॉशिंग पाउडर से नहला दिया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती और दूसरे लोगों के खिलाफ जिसके खिलाफ मोदी जी कहते हैं इसको पकड़ लो उसको पकड़ लो पकड़ रहे हैं और अब तो एक्सट्रॉशन का ये मामला सामने आ गया, धन उगाही कर रहे हैं। तो आप इसको इश्यू बनाए नहीं क्या, ये जो घटक दल पाकिया से है इनके लिए ये मुद्दा बनेगी, सारे विषयों पे चर्चा होगी, इस पे भी बातचीत करेंगे हम लोग, सारे विषय पे जो मुद्दे बेंगलोर की मीटिंग में रह गए थे और पटना की मीटिंग में उससे आगे की बातचीत होगी। अभी तो इंडिया गठबंधन का नाम पिछली मीटिंग में तय हुआ था और इसके बाद अब जो मीटिंग हो रही है मुंबई में उसमें बहुत सारी चीजों पे और बात है। इंडिया गठबंधन के कन्वीनर के नाम की चर्चा को लेकर नीतीश कुमार के नाम को लेकर आरजेडी भी सपोर्ट कर रही है, ममता बनर्जी का एक नाम आ रहा है, तो आम आदमी पार्टी क्या इस बारे में सोची, आप किसके नाम का समर्थन करते हैं या क्या? वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल जी तय करेंगे और जब चर्चा के दौरान बात आएगी कि किस कौन कौन से लोग राष्ट्रीय संयोजक के लिए किन किन लोगों का नाम है उसके बाद केजरीवाल जी तय करेंगे। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर भी चर्चा है सर, इससे जुड़ा हुआ मैं आपसे कह रहा हूँ समय का इंतजार कीजिए, धीरे धीरे बहुत सारी चर्चा होगी, बहुत सारी बातें तय होंगी, वो आपको जानकारी देंगे। अयोध्या को लेकर 24 का चुनाव जीतने के लिए जब मंदिर का उद्घाटन होगा बहुत सारे लोग ट्रेन में जब जाएंगे उस समय पथराव करवाया जाएगा, ट्रेन के ऊपर आके गोले छोड़े जाएंगे और पूरे देश में दंगे होंगे, किसका बयान है? संजय राउत जी ने कहा है। देखिये ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का काम करने का जो तरीका है उसको लेकर ये शंका लोगों के दिमाग में है और जायज शंका है। जैसे दिल्ली के अंदर बीजेपी ने चुनाव के पहले दंगा कराने का भरसक प्रयास किया और ठीक चुनाव के बाद आपने देखा कि यहां पे दंगे हुए, हरियाणा में सब कुछ खट्टर साहब की जानकारी में था, वहां की सरकार के जानकारी में था कि तनाव की स्थिति है, लेकिन वहां पर जानबूझ के प्रशासन ने ढिलाई की और फसाद हुए, दंगे हुए। जो हरियाणा कभी भी सांप्रदायिक दंगों की चपेट में नहीं रहा वो चपेट में आया भाजपा के राज में। मणिपुर देखिए, तो ये दंगों और फसाद के जरिए चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं, ये कोई नई चीज बीजेपी के बारे में नहीं है। इनके पास काम तो कुछ है नहीं, बेरोजगारी पे सवाल करोगे कोई जवाब नहीं, काला धन पे सवाल करोगे कोई जवाब नहीं, किसान का फसल दोगुना करने पे सवाल पूछोगे कोई जवाब नहीं, महंगाई कम करने पे सवाल पूछोगे कोई जवाब नहीं। तो जो जिस पार्टी ने कोई काम नहीं किया, 2% देश के एजुकेशन का बजट है, 2% देश के हेल्थ का बजट है, जिस पार्टी ने कोई काम नहीं किया वो दंगे फसाद करा के चुनाव जीतना चाहेगी, तो उसके आधार पर कोई शंका आशंका संजय रावत जी ने व्यक्त की होगी। सर आखिरी सवाल,
कुछ देर पहले कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो जारी की गई है 32 सेकंड की है, जिसमें इंडिया गठबंधन दिखाया गया है, राहुल गांधी की आवाज़ है, इसके आप मायने क्या निकालते हैं? क्या इंडिया अलायंस की तरफ से वो प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, क्या मतलब क्या निकालते हैं? अरे भाई मैं सिर्फ आपको इतना ही कह सकता हूं कि जो भी मीटिंग के अंदर चर्चा होगी, दो दिनों की मीटिंग है 31 और 1 की, उसके बाद सारे गठबंधन के दल बैठकर उनके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक चीज की जानकारी मीडिया को देते हैं, तो कुछ भी छुपाने का या कुछ भी पहले बताने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मीटिंग होने दीजिए, मीटिंग में जो चीजें तय होंगी आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, चुनाव कैसे लड़ा जाएगा? चुनाव निश्चित रूप से अगर 26 दल एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं तो उसमें कौन कहां से लड़ेगा ये तो तय होगा ही। तो उसमें कोई सर आपकी समझ से इस वीडियो का मतलब क्या है जो कांग्रेस शेयर किया है, इसमें राहुल गांधी रेडी दिखाएगा? अरे भाई अपने पार्टी हैंडल से उन्होंने कुछ ट्वीट किया है, तो सभी पार्टियां अपना अपना कैंपेन चलाती हैं, कुछ ना कुछ ट्वीट करती हैं, उसके क्या है कि नई पार्टियां कुछ मिल सकती हैं जो अभी तक एनडीए के साथ हैं? जुड़ेंगे आगे निश्चित रूप से, और जुड़ेंगे। और किसी से बातचीत चल रही है उसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ये जो इंडिया का परिवार है ये धीरे धीरे आगे और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपने लोगो देखा है? Have you seen the logo? ये तो आप ही लोग चला रहे हैं मीडिया में, जब वहां पे जाएंगे पता चलेगा, हम लोग भी देखेंगे कि हाँ। अब उसके पहले ही कोई लोगो आप लोगों ने जारी किया, वही देख रहा हूँ ट्विटर पे। मैंने आधिकारिक रूप से ऑफिशियली कोई लोगो नहीं देखा। अब मैं कहता रहा हूँ जब मीटिंग में जाएंगे तो पता चलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आ रहा है, उनको कन्वीनर के तौर पर आगे देखा जाना चाहिए, आम आदमी पार्टी की राय पर क्या होगी? देखिए जहाँ 26 दल है हर पार्टी के नेता कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देंगे, कोई ना कोई बयान देंगे, लेकिन जब कोई किसी भी गठबंधन में आप होते हैं उसमें कोई फैसला सामूहिक तौर पर तय होता है, तो सामूहिक रूप से जब सारे लोग वहां बैठेंगे जिन नामों पर प्रस्ताव आएगा हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी उस पर अपनी राय देंगे। शुरू करें, सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। पिछले एक साल से एक तथा कथित शराब घोटाले जांच ईडी और सीबीआई के द्वारा की जा रही है, एक मनगढ़ंत घोटाला, एक काल्पनिक घोटाला, जो घोटाला हुआ नहीं उसकी जांच चल रही है, जांच पे जांच चल रही है, फिर जांच चल रही है, फिर जांच पे जांच चल रही है एक साल से, और बार बार ईडी अपनी स्टेटमेंट चेंज करती है, कभी कहती है 100 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहती है 1000 करोड़ का घोटाला हो गया। मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी के चेहरे को बेनकाब करने का काम आपके सामने किया है। मैंने बताया कि किस तरीके से चंदन रेड्डी के कान के पर्दे फाड़ के उसको मारपीट करके उसका स्टेटमेंट लिया गया। मैंने बताया कि कैसे एक व्यक्ति को धमकाया गया कि तुम्हारी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी हम देखेंगे। मैंने पहले भी बताया कि कैसे ईडी ने झूठा बेबुनियाद आरोप लगा के सारे फोन अपने पास रख के यह कहा कि मनीष सिसोदिया ने फोन तोड़ दिया, फोन तोड़ दिया, फोन तोड़ दिया। मैंने आपको यह भी बताया कि किस तरीके से झूठा बेबुनियाद आरोप लगा के मेरा नाम चार्जशीट में शामिल करने का काम ईडी ने किया, और जब मैंने ईडी को नोटिस दिया तो बोले साहब गलती हो गई, लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। इसका मतलब वो तमाम घटनाएं जो थी वो पूरी तरीके से सच थी, ये बात साबित होती है कल की घटना से। कल जो कुछ हुआ उसने पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देश के लोगों को हैरान करके रख दिया। नरेंद्र मोदी जी की सबसे प्रिय संस्था ईडी, जिसको अपने साथ लेके हाथ में हाथ मिला के मोदी जी कहते हैं यह ईडी है इसके जरिए हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, यह ईडी है इसके जरिए भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, वो ईडी एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन गई है। एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट ईडी ईडी नहीं है, ईडी एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है, ईडी धन उगाही का डिपार्टमेंट है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात सीबीआई कह रही है। ईडी का असिस्टेंट डायरेक्टर 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, 7 लोगों के साथ 5 करोड़ की रिश्वत। किस मामले में? दिल्ली शराब के तथाकथित घोटाले के मामले में एक आरोपी को बचाने के नाम पे 5 करोड़ रुपए की रिश्वत एक आरोपी के बाप से ली गई।
अमनदीप ढल के बाप से ली गई। यह एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट की हकीकत है, यही कर रहा है ईडी पिछले एक साल से। इस घोटाले की जांच के नाम पर, इस तथाकथित घोटाले की जांच के नाम पे कभी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाता है, कभी किसी को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता है, और हर दिन झूठी खबरें। कभी का फोन तोड़ दिया, कभी का 54 करोड़ की संपत्ति बरामद हुई, कभी यह स्टोरी, कभी वो स्टोरी, और पूरे देश में यह सिलसिला मोदी जी के आने के बाद चला रखा ईडी ने। पिछले 9 वर्षों में 3000 केसेस ईडी ने, 3000 छापेमारी ईडी ने की, और मात्र 23 लोगों पर आरोप सिद्ध कर पाए। 0.5% ईडी का कन्विक्शन रेट है। यह ईडी किस लिए बना है भाई? नरेंद्र मोदी जी, आपने एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट किस लिए बना रखा है? महाराष्ट्र में विधायक तोड़ने के लिए, कर्नाटक में विधायक तोड़ने के लिए, मध्य प्रदेश में विधायक तोड़ने के लिए, गोवा में विधायक तोड़ने के लिए, उत्तराखंड में विधायक तोड़ने के लिए, अरुणाचल में विधायक तोड़ने के लिए, दिल्ली में विधायक तोड़ने के लिए, पंजाब में विधायक तोड़ने के लिए, पूरे देश में विधायकों को तोड़ने के लिए एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट ने बना रखा है। इनको गुंडागर्दी का लाइसेंस दे रखा है आपने। जाओ झारखंड में गुंडागर्दी करो, जाओ बिहार में गुंडागर्दी करो, जाओ बंगाल में गुंडागर्दी करो, जाओ पंजाब में गुंडागर्दी करो, महाराष्ट्र में गुंडागर्दी करो, कर्नाटक में गुंडागर्दी करो, दिल्ली के अंदर जा जाके रोज गुंडागर्दी करो। ये गुंडागर्दी का डिपार्टमेंट बना रखा है आपने। मैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस ईडी डिपार्टमेंट को बंद किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के गुंडागर्दी का फ्रंटल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। गुंडागर्दी का विंग है, ये एक्सटॉर्शन विंग है भारतीय जनता पार्टी का, ये एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है ईडी। पैसे वसूल रहे हो, घोटाले की जांच में घोटाला, घोटाले की जांच में घोटाला। कह रहे साहब हम घोटाले की जांच कर रहे हैं, उसके नाम पे रिश्वत खा रहे हैं। अच्छा ये ईडी के अधिकारी करें क्या? वो देख रहे हैं मोदी जी हमसे विधायक पकड़वाते हैं महाराष्ट्र में, उनको धमकवाते हैं, उनके ऊपर केस करवाते हैं, फिर उनको दे देते हैं 50 खोका। विधायकों को तो मिलता है 50 खोका, वो चले जाते हैं सरकार के साथ शामिल हो जाते हैं, और ईडी के अधिकारी बेचारे एक भी खोखा नहीं पाते। तो भारतीय खोखा पार्टी ने खोखा अधिकारी तैयार किया, बोले खोखा खोखा तुम भी करो, जैसे वहां पे खोखा हम कर रहे हैं, यहां पे खोखा तुम करो। तो 5 खोखा का मामला है ये, 5 खोखा किसने लिया है? ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर ने, दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले के मामले में, जो एक काल्पनिक मनगढ़ंत घोटाला है, उसमें एक आरोपी को बचाने के नाम पर 5 करोड़ रुपए की 5 खोखा की रिश्वत ली। और मेरा सीधा आरोप है कि ये एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट जो पैसे की वसूली करता है, इसका हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी पहुंचता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और ये क्या 5 करोड़ रुपए अकेले ये असिस्टेंट डायरेक्टर खा रहा था? ये पैसा किसको किसको गया? ईडी के किन किन अधिकारियों का इसमें हिस्सा है? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और वो सारे के सारे अधिकारी जेल के अंदर होने चाहिए। मैं तो कह रहा हूं ईडी डिपार्टमेंट जो एक गुंडागर्दी का विंग बनाया है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने, इस पर तुरंत और तत्काल रोक लगनी चाहिए। ये डिपार्टमेंट बंद होना चाहिए, ये खतरनाक डिपार्टमेंट देश के अंदर पैदा हो गया है, जिनको सरकारी लाइसेंस है गुंडागर्दी करने का, जिनको सरकारी लाइसेंस है एक्सटॉर्शन करने का। ये तो एक मामला खुला, इनका काम करने का तरीका क्या है? आपको पकड़ेंगे, आपको जेल में डालेंगे, आपको ईडी के हवालात में रखेंगे, वहां आपको मारेंगे, पीटेंगे, कान का पर्दा फाड़ेंगे, आपसे किसी भी नेता के खिलाफ फर्जी बयान लेंगे, फिर उसको मीडिया में लीक करेंगे, फिर उसको पकड़ के जेल में डालेंगे। लगातार यही एक साल से चल रहा है, एक साल से यही सिलसिला। कभी कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला, अब कह रहे हैं 44 करोड़ का घोटाला। हर जगह पूछा जा रहा है भाई मनी ट्रेल बताओ, कहां कहां पैसा पकड़ा गया, क्या पकड़ा गया, कुछ तो बताओ। मनीष सिसोदिया के गांव पे छापेमारी, दफ्तर पे छापेमारी, बैंक का लॉकर चेक किया, सरकारी घर चेक किया, कहीं कुछ नहीं निकला, लेकिन बस बोले जा रहे। तो पकड़ते हैं, जेल में डालते हैं, फिर उनको कहते हैं देख इसके खिलाफ तुझे बयान देना, तेरी जमानत करा देंगे, इतना पैसा लगेगा। उससे पैसा लेते हैं, उसकी जमानत कराते हैं, बाहर लाते हैं, फिर उससे जो मनचाहा होता है स्टेटमेंट लिखवाते हैं। ये पूरी की पूरी तथाकथित शराब घोटाले की जांच को कूड़ेदान में डाल देना चाहिए, और जितने भी ईडी के अधिकारी हैं, ये एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट के जितने अधिकारी हैं जो धन उगाही का काम कर रहे हैं, इनको सबको पकड़ के जेल में डालना चाहिए।
ये बहुत ही शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी संस्था इस देश के अंदर बना दी जो पूरे देश में विधायकों को तोड़ने का, खरीदने का, एक्सटॉर्शन करने का, रिश्वतखोरी करने का, भ्रष्टाचार करने का काम कर रही है। और मैं फिर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यह अपील करूंगा कि इस पूरी घटना का संज्ञान लें और ये विभाग, जो पूरे देश में अकेले दिल्ली का मामला नहीं, मैंने आपको बताया झारखंड हो, बंगाल हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, पूरे देश में हां बस एक ही चीज है, जो भ्रष्टाचारी मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल गया उस पर कार्रवाई नहीं होगी, हेमंत विश्व शर्मा पे कार्रवाई नहीं होगी, शुभेंदु अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होगी, मुकुल राय पे कार्रवाई नहीं होगी, अजीत पवार पे कार्रवाई नहीं होगी, छगन भुजबल पे कार्रवाई नहीं होगी, हसन मुश्रीफ पे कार्रवाई नहीं होगी, जो मोदी वॉशिंग पाउडर से नहा लेगा, चाहे वो येदुरप्पा हो या रेड्डी ब्रदर्स, उस पर कार्रवाई नहीं होगी, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। तो ऐसा डिपार्टमेंट जो बना ही सिर्फ खुले तौर पर, खुली आंखों से पूरे देश को दिख रहा है कि बना ही सिर्फ एक्सटॉर्शन के लिए है, बना है सिर्फ धमकी देने के लिए, बनाए सिर्फ खोका खोका करने के लिए, बनाए सिर्फ गुंडागर्दी करने के लिए, तो इस डिपार्टमेंट को बंद कर देना चाहिए। टैक्स पेयर के पैसे से इनको तनख्वाह दी जाती है यही करने के लिए।